साझा करना चाहती हूँ, जिसके कवि हैं डॉक्टर मोहदत्त साथी। इस कविता में रावण बुराइयों के प्रतीक है। प्रस्तुत है रावण कविता। पिछले सालग्राम लीला में रावण अकड़ गया, बोला मैं नहीं जलूंगा। उधर रामचंद्र जी बाण पर बाण चला रहे थे, इधर श्रीमान रावण खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। बड़ी संकट की घड़ी थी, राम और रावण के बीच पीएसी खड़ी थी। हमसे यह तमाशा देखा ना गया, हमने धीरे से कान में कहा, भैया त्योहार का दिन है, दिल मत दुखाओ, आओ चुपचाप जल जाओ। रावण बोला, प्यारे लाल बेवकूफ मत बनाओ, सब अपना मौका देखकर हड़ताल करते हैं, आज मेरा दिन है, मैं तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगा, मैं नहीं जलूंगा। हमने कहा, भैया यह क्या कह रहे हो, यह सब तीज त्योहार सबका सब कैसे चलेगा, तुम नहीं जलोगे तो फिर कौन जलेगा। रावण बोला, प्यारे लाल जरूरत से ज्यादा मत बोलो, आंखें खोलो, वहां देखो दक्षिण में। भाइयों, थाने एक राज की बात बताऊं। रामलीला में मैं लक्ष्मण को पारट कियो थो। बी को एक किस्सो सुनाऊं। जे दिन सुर्पनखा की नाक कटनी थी, बी दिन मैं अकड़ो अकड़ो सो सोचो, रे लक्ष्मण आज तो तेरी जय जयकार बोलेगी। पर तभी स्टेज पर बेलन आयो, अय्या लागो जानो कोई आने से पहला अपना विजिटिंग कार्ड भिजवावे, और बी बेलन के पीछे हमारी घरवाली भी आ जावे, और लोग यह सोचकर कि सुर पर न खा गई ताली पीटी। मैं चुपके से अपनो माथो पीटो, पर्दे के पीछे से डायरेक्टर बोल्यो, थारी गड़ाली ते साचे की सुर पर न खा लागे है, थे तो इही की नाक काट दो। मैं बोल्यो, रे डायरेक्टर काटनी तो दूर, मैं तो आज तानी छुई भी कोनी। वाह कही थे लक्ष्मण बने हो तो थाने काटनी ही पड़ेगी। मैं पास खड़ो खड़ो रामचंद्र जी से बोल्यो, रे भाया मारी लाज राख दे, आज ही सुर्प नखा की नाक तू ही काट दे, बाद में चाहे रावण मुझसे ही मरवा लियो, पर वो क्यों मक्खी के छाते में अपना हाथ देवे था, साफ नाट गयो। मैं तुलसीदास जी ने कोसन ला गयो, रे तुलसीदास तू तो रामायण लिख कर चले गयो, लेकिन मारी जान को तो महाभारत कर दी। लक्ष्मण को तेरा दुश्मन लागो थो, जो तू सगला काम तो रामचंद्र जी से कराओ, और नाक लक्ष्मण से कटाई। पर कोसबा से के होवे था, मैं डर के मारे थर थर कापन लागू, और लोग यह सोचकर कि मैं गुस्से से कापू हूं ताली पी। कृति सुभाष सदन की ओर से आज सब आप सभी के सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वैसे तो मैं शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, लेकिन अपनी दाई आंख से बड़ा परेशान हूँ। अपने आप ही चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जान मुझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन बचपन में, लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुलेखा, उसने मुझको देखा और चल पड़ी। थोड़ी देर बाद हमको है याद, प्रिंसिपाल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाया, इससे पहले हकीकत बयां करता फिर चल पड़ी। हुआ ये अंजाम, कट गया स्कूल से नाम, करना पड़ा काम, जा रहा था इंटरव्यू में, खड़ा था एक क्यू में, एक लड़की खड़ी थी सामने, नजर उसकी हम पर पड़ी और फिर चल पड़ी। लड़की मानो उछल गई, दूसरे उम्मीदवार चौके, लड़की के पक्ष में भौके, और फिर क्या हम भागे, लोग पीछे और हम आगे, घबराहट में घुस गए घर में, भयंकर पीड़ा थी सर में। तभी पूछा घरवाली ने कौन, हम रह गए मौन, और इससे पहले जुबान हिलाते फिर चल गई। घरवाली मानो गुस्से के जल गई, साक्षात दुर्गा सी दिखी, वो जोर से चीखी।